दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी जैसे हम इसे चलाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी एक यात्रा होती है, ज़िंदगी की 80 साल 90 साल 70 साल जितना भी समय होता है आदमी निकाल के चला जाता है। यात्रा तो ख़त्म होनी है एक दिन। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ, आजकल रस्म पगड़ी होती है ना, मैंने अभी बंटी को बोला, बंटी मैं वहाँ पर मत्था टेक के आऊँगा 10 रुपये का, तू वहाँ रोटी खा लेना। मैंने कहा तू खा लेना जा, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं। तो अभी रस्म पगड़ी से मैं आ ही रहा था, तो मैंने सोचा आपसे 2-3 बातें कर लेते हैं यार, क्योंकि मैं रस्म पगड़ी बहुत कम जाता हूं। मैं इसलिए नहीं जाता कि जिंदे जी असी किसी तक कुछ कर ना सकीए, मरण तो बाद असी श्रद्धांजलि देिए, ये साड़ी किताबों में नहीं लिखे। जब आदमी जीवित होता है ना, उसी समय उसकी मदद करने का हमारा राइट बनता है, ड्यूटी बनता है, उसकी देख रेख करने का, उसकी हेल्प करने का, उसे गाइड करने का, उसे कंसल्ट करने का, काउंसलिंग करने का, उसका उसे समझाने का फर्ज बनता है यार। किसी को हौसला देना ही सबसे बड़ी जो होती है, एक मैं कहता हूँ सुझाव जो हम देते हैं, पैसे से मदद से भी बहुत बड़ा मदद होती है। मैं बता दूँ, 10th क्लास में जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरा एक दोस्त था, मैं ना फिल्म जो होती है ना ब्लैक एंड वाइट, वो खींचने के बाद खुद ही डेवलप करता था, मंजे के नीचे डार्क रूम बना के उनको मैं, और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट बना रखा था, उस पर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मैं तैयार करता था। वो मेरे को कई बार कहता था मेरे को भी दिखाना तू कैसे तैयार करता है, मैंने कोई बात नहीं दिखाऊँगा तेरे को। ऐसे 1 महीना निकला, 2 महीना निकले, तो उसको फिर वो बीमार हो गया। वो जब बीमार हुआ तो बचपन से हमको पता नहीं था, तो जब वो आया PGI में, कहता मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो उसने मेरे को दिखाया, इतना बड़ा उसके चीरा हुआ था जहाँ पे शर्ट से लेकर नीचे तक। कहता मेरा ऑपरेशन हुआ है जी, मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी। कहता डॉक्टर कहते हैं नॉन वेज तेरे को खाना पड़ेगा। कहता मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। वो भी शर्मा था, मैं भी शर्मा था। मैंने कहा भाई, कहता तू खाएगा तो मैं भी खा लूँगा। मैं 3-4 दिन सोचता रहा यार, खाऊँ या ना खाऊँ। उसने शर्त रख दी, कंडीशन रख दी, नॉन वेज तू खा तो मैं भी खाऊँगा। 3-4 दिन तक वो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो मैं उसी यानी के सोच में, यार उसने मेरे को ये कहा था, मैं उसकी बात नहीं मान सका। तो जब उसकी डेड बॉडी वहाँ से गुजरी थी, तो मैं उसके पीछे भी नहीं गया। मैंने कहा जरा मरे के पीछे कह जाऊँगा, जब जीवित था तो तेरे मैंने वो कहना भी नहीं माना जो तूने मेरे को कहा था। तो उसके बाद में ये जो डेड बॉडी होते जब ले जाते हैं, बहुत कम जाता हूँ मैं। और रस्म पगड़ी में भी मैं ड्रामेबाजी करने में बहुत परहेज करता हूँ। लोग 10 मिनट के लिए आते हैं, बस करके चले जाते हैं। मैं ये जो हमारे अपने देश के लोग हैं, हमारे अपने समाज के लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, इसको दिखावा करने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए मैं दिखावा नहीं करता। अभी हम जहाँ पर गर्मी आए, तो यहीं पर हम आए थे BRS नगर में, तो इसने बंटी ने रोटी खा ली, दो चलो मैंने 13,000 रुपया निकल जाएगी, मैं तो तेरे को कुछ खाने पीने के पैसे नहीं देता, झाड़ी पैसे देता हूँ। तो उसके बाद हमने भी थोड़ा सा जो प्रसाद होता है वो मीठे का वो ले लिया, कुछ सीनियर सिटीजन था जिसकी बुजुर्ग थी, जिसकी डेथ हुई थी। तो कहने का मतलब है कि आप जो ज़िंदा होता है ना इंसान, कि आप छोटी सी यात्रा है ना, छोटी सी जीवन जीने के लिए आए, आप उसमें पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, मकान बना के इकट्ठा करके यहीं छोड़ के चले जाते हैं। सोच बदलो दोस्तों, समाज बदलेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब यहीं पे है। कहने का मतलब है कि आप लोग सोचते हैं बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है जय, मेरे से पूछो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, हम वो बताएंगे जो कोई नहीं बताता, क्योंकि हम सब कुछ देख चुके हैं, क्या ज़िंदगी है हम जान चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब पता चल जाएगा आपको।